हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया डिक्लेयर्ड अ स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री बाय इंटरनेशनल कमीशन फॉर असेसमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। इंटरनेशनल कमीशन फॉर असेसमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन के द्वारा इंडिया को कब पोल स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1975 में, 1977 में, 1976 में या फिर 1977 में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 1977 के अंदर इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा रीड करिए आप, उसके बाद इसे समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एंड स्टेज रीनल डिजीज। आप एक नर्स हैं और आपको आज एक ऐसा क्लाइंट मिला है जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज से सफरिंग है। हु हैज अ मैच्योर एट्रियोवीनस फिस्टूला। इस क्लाइंट के अंदर एवी फिस्टूला बना हुआ है। वॉट नर्सिंग केयर शुड बी इंक्लूडेड द क्लाइंट प्लान ऑफ केयर। अब इस ESRD वाले पेशेंट में, जिसमें एवी फिस्टूला भी लगा बना है, उसकी केयर के दौरान आप कौन कौन से ऑप्शंस को इंक्लूड करेंगे, वो सभी सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा सही जवाब हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो टर्म बताई गई है कि एवी फिस्टूला आखिर है क्या। वॉट इज दिस एवी फिस्टूला। एवी फिस्टूला क्या है? मान लीजिए ये आपका क्लाइंट है और ये उस क्लाइंट का हाथ है। एवी फिस्टूला कंडीशन के अंदर अगर आर्टरी को वेन से जोड़ दिया जाए तो ये कनेक्शन एट्रियोवीनस फिस्टूला कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा, अगर किसी क्लाइंट के अंदर मौजूद आर्टरी को आप, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उस आर्टरी को आप अगर वेन से जोड़ दें तो ये जो कनेक्शन आप बनाएंगे इसे हम फिस्टूला के नाम से जानेंगे। दिस इज द वेन एंड दिस इज द आर्टरी। दे आर कनेक्टेड विद द लिंक। दिस इज कॉल्ड एवी फिस्टूला। यहां पर ये जो कनेक्शन बनेगा इसे हम एवी फिस्टूला के नाम से जानते हैं। अब ये एवी फिस्टूला क्यों बनाया जाता है? आपने हीमोडायलिसिस टर्म के बारे में सुना होगा। हीमोडायलिसिस प्रोसेस के अंदर क्लाइंट में लगातार डायलिसिस करना होता है और डायलिसिस के दौरान जो इक्विपमेंट है, जो सिरिंज है, उसे यहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि डायलिसिस प्रोसेस आसानी से हो सके। सो दिस इज द एवी फिस्टूला। इसके अलावा यहाँ पर दो और टर्म्स आपके काम आने वाली हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से बता पाएंगे। आइए इन दोनों टर्म्स को वन बाय वन जान लेते हैं।
सबसे पहले हमारी टर्म आती है ब्रुइट। ब्रुइट क्या है? BRUIT। वॉट इज ब्रुइट? ब्रुइट इज एन ऑडिबल वेस्क्यूलर साउंड एसोसिएटेड विथ टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। आपकी बीवी के अंदर यानी आपकी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो जब होता है, ब्लड वेसल के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो इस ब्लड फ्लो के कारण एक साउंड जनरेट होता है। इस साउंड को आप स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं और यही ब्रुइट कहलाता है। जिन लोगों में, जिन पेशेंट में एवी फिस्टूला बना हो, उस एवी फिस्टूला के एरिया पर यदि आप स्टेथोस्कोप रखते हैं और स्टेथोस्कोप रखने पर जो साउंड आप सुन पाते हैं, अस्कल्टेट कर पाते हैं, उसे ही हम ब्रुइट के नाम से जानते हैं। ब्रुइट बेसिकली एक साउंड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि यहां पर आपके काफी काम आने वाली है। इसे बोलते हैं थ्रिल। ब्रुइट के बारे में आपने जान लिया, अब बात करते हैं थ्रिल के बारे में। THRILL, थ्रिल। थ्रिल क्या है? जब किसी पेशेंट में एवी फिस्टूला बना हो और आप इस एवी फिस्टूला के ऊपर पालपेट करते हैं, पालपेशन करते हैं, हल्का सा अपना हाथ इस एवी फिस्टूला के ऊपर रखते हैं, तो आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं, आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं, यहाँ पर मूवमेंट फील होती है। इस मूवमेंट को ही आप थ्रिल के नाम से जानते हैं। ब्रुइट क्या है? ब्रुइट एक साउंड है जो कि एवी फिस्टूला पर स्टेथोस्कोप रखने के बाद सुनाई देता है। और थ्रिल क्या है? थ्रिल एक मूवमेंट है, एक वाइब्रेशन है जो कि एवी फिस्टूला पर हाथ रखने पर फील होता है। और एवी फिस्टूला क्या है? एवी फिस्टूला एक वह कनेक्शन है जिसमें आर्टरी और वेन को सर्जरी द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है और ये हीमोडायलिसिस प्रोसेस में उपयोग में ली जाती है। होपफुली अब आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पर इन टर्म्स के रिगार्डिंग क्लियर हो चुके हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से दे पाएंगे। सबसे पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, अस्कल्टेट ब्रुइट। यस, हम ब्रुइट को अस्कल्टेट करेंगे, ब्रुइट को अस्कल्टेट करेंगे। इससे क्या होगा? देखिएगा, जब भी क्लाइंट के अंदर ब्रुइट साउंड सुनाई देता है तो ये हमें पेटेंसी ऑफ एवी फिस्टुला के बारे में बताता है। अगर एवी फिस्टुला पर ब्रुइट साउंड प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि जो एवी फिस्टुला है वो पेटेंट है, अपना काम सही तरीके से कर रहा है। बिल्कुल हम इस चीज को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन टू कहता है पालपेट द साइट टू आइडेंटिफाई थ्रिल। यस, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर एवी फिस्टुला बना है तो उस जगह पर थ्रिल महसूस होगी और थ्रिल महसूस होना ये बताता है कि यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये फिस्टूला चालू है, पेटेंट है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शन थ्री की बात करते हैं, इरिगेट द सेलाइन टू मेंटेन द पेटेंसी। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। याद रखिएगा, हम कभी भी एट्रियोवीनस फिस्टूला को इरिगेट नहीं करते हैं। एवी फिस्टूला इंटरनल स्ट्रक्चर है और कभी भी इसे इरिगेट नहीं किया जाता है। ऑप्शन थ्री इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन फोर की, अवॉइड ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। जिस हाथ में एवी फिस्टूला बना होता है, लगा होता है, उस हाथ से आप कभी भी ब्लड सैंपल नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिस भी हाथ में एवी फिस्टूला लगा हो वहां से कभी भी आपको ना तो ब्लड सैंपल लेना है और ना ही उस हाथ से कभी भी आपको ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना है। ये दोनों ही चीजें यहां पर नहीं की जाएंगी। सो ऑप्शन फोर इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम बात करते हैं, कीप द फिस्टूला क्लैम्ड अंटिल रेडी टू परफॉर्म डायलिसिस। देखिएगा, जो आपका एवी फिस्टूला है ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जो स्किन के अंदर पाई जाती है, ना कि स्किन के बाहर। तो स्किन के अंदर वाली स्ट्रक्चर को आप क्लैंप नहीं कर सकते। सो ऑप्शन फाइव इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहां पर आपके आंसर में आएंगे तीन ऑप्शंस, 1, 2 एंड 4।
वन टू एंड फोर दीज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्केलेटल एक्सियल स्केलेटन। आपको बताना है कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता। आपके ऑप्शंस हैं फीमर, स्टर्नम, मैंडिबल, सैक्रम। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन टू द स्केलेटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। किसी अडल्ट ह्यूमन पर्सन के अंदर टोटल जो बोन्स होती हैं उनकी संख्या है 206। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 कुल बोन्स पाई जाती हैं, और इन बोन्स को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, या यूं कहें कि अडल्ट स्केलेटल सिस्टम जिसमें बोन्स को इंक्लूड किया जाता है उसे हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो टाइप है उसे हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरे टाइप को हम अपेंडिकुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन्स आती हैं, 80 बोन्स आती हैं, और इन बोन्स के अंदर वर्टिकल एक्सिस ऑफ बॉडी को इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर हेड, वर्टिब्रे कॉलम, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम आदि को इंक्लूड किया जाता है, और पीछे अब बचता है अपेंडिकुलर सिस्टम। इसके अंदर टोटल 126 रिमेनिंग बोन्स को इंक्लूड किया जाता है। अब आप ये बताइएगा कि इन सभी में से कौन सी बोन जो है वो आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं है। यस, एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर फीमर बोन को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। फीमर बोन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, सो ऑप्शन वन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ टोटल नी रिप्लेसमेंट। विच डाटा वुड द नर्स ऑब्जर्व टू डिटरमाइन इफ द नर्सिंग इंटरवेंशंस आर इफेक्टिव। आप किसी ऐसे क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जिसके अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर किया गया है। अब इस पेशेंट के द्वारा कौन सा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने पर यह माना जाएगा कि आपके द्वारा जो नर्सिंग इंटरवेंशंस किए गए वो इफेक्टिव है, क्लाइंट की कंडीशन में सुधार आ रहा है। ऑप्शन वन कहता है द क्लाइंट हैव द क्लाइंट्स लंग्स हैव बाइलेटरल क्रैकल्स, क्लाइंट के दोनों लंग्स में क्रैकल साउंड मौजूद हों। ऑप्शन टू कहता है द क्लाइंट नी हैज फ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री, क्लाइंट का घुटना 45 डिग्री मुड़ सकता है, फ्लैक्स हो सकता है। ऑप्शन थ्री द क्लाइंट पार्टिसिपेशन इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज, क्लाइंट अपनी खुद की देखभाल कर पा रहा है। ऑप्शन फोर द क्लाइंट हैज रिड्यूस्ड पेन यूजिंग सिंगल अप्रोच, क्लाइंट का पेन कम हो चुका है सिंगल अप्रोच के द्वारा। विच वन इज द करेक्ट आंसर? यस, एग्जैक्टली, यू ऑल आर करेक्ट। यहां पर ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही मानेंगे। अगर किसी क्लाइंट में टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया और ये पेशेंट अगर अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग जाए तो हम ये मानेंगे कि क्लाइंट को दी गई नर्सिंग इंटरवेंशंस इफेक्टिव रही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर, नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर कितना होता है ये आपको बताना है।
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर जो है 5 to 10 mm ऑफ Hg होता है। आइए बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये पोर्टल वीनस प्रेशर है क्या। पोर्टल वीनस प्रेशर का मतलब है हिपेटिक पोर्टल वेन में प्रेशर, हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन में कितना प्रेशर है, इसे ही हम पोर्टल वीनस प्रेशर के नाम से जानते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 5 से 10 mm ऑफ Hg के बीच होती है। अगर ये प्रेशर बढ़ जाए, अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो, तो इस कंडीशन को हम पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। इंक्रीज प्रेशर अगर हो जाए तो ये कंडीशन पोर्टल हाइपरटेंशन कहलाती है। बेसिकली लीवर से ब्लड को वापस लेकर आने वाली वेन है, पोर्टल वीनस सिस्टम है, जिसके अंदर यदि प्रेशर बढ़ जाए तो ये कंडीशन पोर्टल हाइपरटेंशन कहलाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू। कॉर्पस ल्यूटियम कितने समय तक एक्टिव रहती है ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉर्पस ल्यूटियम 10 से 12 सप्ताह तक एक्टिव रहती है। किसी भी वुमेन में ग्रेफियन फॉलिकल्स जब ब्रस्ट होती हैं तो वहां से ओवम रिलीज होता है, और ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं फिर अपने आप को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर लेती हैं। अब इन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन किया जाता है, और ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जब तक कि प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाता तब तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता रहता है। जैसे ही प्लेसेंटा 12 वीक की एज आने पर मैच्योर हो जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम अपना फंक्शन धीरे धीरे कम कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शनली 10 से 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी में एक्टिव देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर, विटामिन के किस कारण से हेल्पफुल माना जाता है ये आपको बताना है। विटामिन के का क्या रोल है इसे आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब माना जाएगा। विटामिन के कुल 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स के फॉर्मेशन या सिंथेसिस हेतु इसेंशियल माना जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर टू सेवन नाइन एंड 10। विटामिन के की प्रेजेंस में लीवर के अंदर इन चारों क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन होता है, और इन क्लॉटिंग फैक्टर्स के द्वारा ही ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर क्लाइंट में विटामिन के नहीं हो तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। आइए विटामिन के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी जान लें। विटामिन के जो है क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल है, इस बारे में हमने आपको अभी बताया। विटामिन के जो है दो फॉर्म्स में आता है, दो टाइप का होता है। पहला विटामिन K1 और दूसरा विटामिन K2। विटामिन के को आप फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, ये जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के थ्रू आपको मिलता है।
इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन K2 की। इसे आप मैनाक्विनोन के नाम से जानते हैं। ये एनिमल प्रोडक्ट से आपको मिलता है। विटामिन K1 और विटामिन K2 के एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो विटामिन 2 का जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन K1 की तुलना में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैज रिसीव्ड कंप्लीट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनेस 10 ईयर्स अगो। ही नाउ प्रेजेंट विथ अ क्लीन वुंड विदाउट एनी लैसरेशन फ्रॉम एन इंजरी सस्टेन 2.5 आवर्स अगो। ही शुड नाउ बी गिवन। किसी क्लाइंट को 10 साल पहले टिटनेस के वैक्सीन या इंजेक्शंस लगे थे। अब इस पेशेंट को 2.5 घंटे पहले चोट लगी है, लेकिन चोट में जो घाव है वो बिल्कुल क्लीन है और वहां पर इंजरी के कारण किसी भी प्रकार का लैसरेशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन इस पेशेंट को दिया जाना सही माना जाएगा? ऑप्शन ए फुल कोर्स ऑफ टिटनेस टॉक्साइड देंगे, ऑप्शन बी सिंगल डोज ऑफ टिटनेस टॉक्साइड देंगे, ऑप्शन सी ह्यूमन टेट ग्लोबुलिन देंगे या फिर ह्यूमन टेट ग्लोबुलिन एंड सिंगल डोज ऑफ टॉक्साइड देंगे। कौन सा ऑप्शन यहां पर दिया जाना सही माना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टिटनेस टॉक्साइड की सिंगल डोज देना इस क्लाइंट के लिए बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वुंड में किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन मौजूद नहीं है। टिटनेस डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है। टिटनेस डिजीज इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉलंटरली लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रियर टू 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज नोन एज। अगर किसी वुमेन में 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले ही प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इनवॉलंटरली यानी बिना उसकी इच्छा के या बिना उसके कुछ किए ही लॉस हो जाता है, तो ये किस प्रकार का एबॉर्शन है? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन या फिर कंप्लीट एबॉर्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी वुमेन में 24 सप्ताह से पहले बिना किसी उचित वॉलेंटरली कॉज के एबॉर्शन होता है, तो ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के बारे में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कैसे होता है? विदाउट अपेरेंट कॉज, यानी कि कोई भी कारण आपको नहीं पता चले। दूसरी बात, ये इन वॉलेंटरली होता है, यानी कि वुमन द्वारा खुद नहीं करवाया जाता। इसके बाद 22 वीक की प्रेगनेंसी से पहले होता है, यानी कि बिफोर 154 डेज आप इसे कह सकते हैं। और लास्ट में आप एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं कि फीटस वेट जो है लेस देन 500 ग्राम होता है। देखिए, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की डेफिनेशन यहाँ पर इन 4 पॉइंट से कंप्लीट हो जाती है। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन वह एबॉर्शन का टाइप है जिसमें
बिना किसी वॉलेंटरली कॉज के या बिना किसी अपेरेंट कॉज के अबॉर्शन हो, ये अबॉर्शन 22 सप्ताह या 154 दिन पहले ही हो जाए प्रेगनेंसी के, या फिर फीटस का वेट 500 ग्राम से कम है और अबॉर्शन हो गया, तो ये आप स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फैट बिगेन्स इन, फैट का डाइजेशन कहाँ पर शुरू होता है? माउथ में, इसोफेगस में, स्टमक में या फिर ड्यूडेनम में? फैट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसे डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। फैट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसे डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। फैट हमारे शरीर में लार्ज ग्लोब्यूलिन्स की फॉर्म में मौजूद रहता है और इसका जो स्मॉल सरफेस एरिया होता है, इस कारण भी इसे आसानी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ही हम फैट को फूड के थ्रू खाते हैं, फूड के थ्रू डाइजेशन में लाते हैं, ये ड्यूडेनम तक पहुंचता है। फैट स्टमक से निकलकर ड्यूडेनम तक पहुंचता है और वहां पर ये बाइल से मिलता है। ड्यूडेनम में इसके अंदर बाइल मिक्स होता है और इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इमल्सिफिकेशन के बाद इसके अंदर लाइपेज एंजाइम्स ऐड होते हैं और इस प्रकार से फैट डाइजेस्ट होता है। लाइपेज एंजाइम पैंक्रियास से निकलकर आता है और बाइल का फॉर्मेशन लीवर द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फैट का जो डाइजेशन है वो बेसिकली जब फैट ड्यूडेनम में पहुंचता है तब ही शुरू होता है। जब फैट ड्यूडेनम में पहुंचता है तभी से इसका डाइजेशन शुरू होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स ऑन ऑन्कोलॉजी इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद WBC काउंट 800, प्लेटलेट काउंट 1,50,000, RBC सेल काउंट 2,50,000 ड्यूरिंग इवनिंग विजिटेशन। अ विजिटर इज नोटेड टू बी कफिंग एंड स्नीजिंग, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक? आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी ऐसे कैंसर पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसमें WBC काउंट जो है वो लगभग 800 है। इस पेशेंट के अंदर प्लेटलेट काउंट जो है वो 1,50,000 हो चुका है और इस पेशेंट के अंदर जो RBC काउंट है वो करीबन 2,50,000 के आसपास है। तो इस सिचुएशन में जो विजिटर्स होते हैं, जो उनसे मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, वो कफिंग और स्नीजिंग कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में बेस्ट एक्शन नर्स के द्वारा कौन सा लिया जाएगा ये आपको बताना है। आस्क द विजिटर टू वॉश हिज हैंड, आप पेशेंट के मिलने वालों से, विजिटर से कहेंगे कि आप अपने हाथ धो लें। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट द विजिटर्स कंडीशन इन चार्ट, विजिटर की इस कंडीशन की वो खांस रहा है, छींक रहा है, इसे डॉक्यूमेंट कर देंगे। ऑप्शन सी कहता है, आस्क द विजिटर टू लीव एंड नॉट रिटर्न अंटिल द क्लाइंट इज क्लाइंट्स वाइट वाइट ब्लड सेल काउंट 1,000। आप इस विजिटर को कहेंगे कि आपको सर्दी जुकाम है, आप अभी यहाँ से चले जाइए और जब तक क्लाइंट की WBC काउंट 1,000 ना हो जाए आप इससे मिलने मत आइएगा। ऑप्शन डी कहता है, प्रोवाइड द विजिटर विद अ मास्क एंड गाउन, आप विजिटर को मास्क और गाउन प्रोवाइड करेंगे। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको सभी नॉर्मल वैल्यूज जो कि यहाँ पर मेंशन की गई हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। WBC काउंट की नॉर्मल बात की जाए तो ये लगभग 4,000 से 11,000 के बीच नॉर्मल माना जाता है। प्लेटलेट काउंट की बात की जाए तो ये 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास नॉर्मल माना जाता है।
आरबीसी काउंट की बात की जाए तो 4 to 6 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम इसे नॉर्मल माना जाता है। अब यहाँ पर इन सभी दी गई वैल्यूज को यदि कंपेयर करें तो आपको ये चीज पता चलेगी कि यहाँ इस क्लाइंट के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट कम है, यानी कि पेशेंट में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी है। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब क्लाइंट के अंदर डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होता है, यानी कि क्लाइंट में न्यूट्रोपीनिया जैसी कंडीशन होती है, तो इस क्लाइंट के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हम डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी की वह सेल्स होती हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। लेकिन क्लाइंट में डब्ल्यूबीसी कम है तो ये किसी भी हल्के से इन्फेक्शन के भी चपेट में आ सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें इसे इन्फेक्शन से बचाना है। अब हम बात करते हैं अपने सभी ऑप्शंस की वन बाय वन। सबसे पहला ऑप्शन कहता है आस्क द विजिटर टू वॉश हिज हैंड। आप विजिटर से कहते हैं कि आप अपने हाथ धो लीजिए क्योंकि आपको कफिंग स्नीजिंग हो रहा है। हाँ, हाथ धोना तो अच्छी बात है, लेकिन कफिंग और स्नीजिंग के कारण जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्लाइंट तक पहुंच जाएगा उसका आप क्या करेंगे? खाली हाथ धोने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन नहीं रोका जा सकता। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट द विजिटर्स कंडीशन इन द चार्ट। आप इस बात को डॉक्यूमेंट करेंगे कि पेशेंट से मिलने एक विजिटर आया था, उसका रिलेटिव आया था, उसे सर्दी जुकाम थी और इससे आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती। इट इज इनसफिशियंट एक्शन। इसके बाद ऑप्शन सी कहता है कि आस्क द विजिटर टू लीव एंड नॉट रिटर्न अंटिल द क्लाइंट्स डब्ल्यूबीसी काउंट रिटर्न टू 1000। देखिएगा, क्या डब्ल्यूबीसी काउंट 1000 होना नॉर्मल माना जाएगा? नहीं। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट 4000 से 11000 के बीच होता है तो हम नॉर्मल मानते हैं। अगर 800 से 1000 भी हो जाता है तो भी ये कंडीशन अभी ठीक नहीं है। हम इस सिचुएशन में क्लाइंट को मिलने नहीं दे सकते। तो आखिरी ऑप्शन आपके पास बचता है ऑप्शन डी। और यहाँ पर इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड है जिसमें वन बाय वन सभी क्वेश्चंस ऑप्शंस को जिन्हें हम जानते हैं एलिमिनेट करते हैं और लास्ट में करेक्ट ऑप्शन बच जाता है। तो यहाँ पर ये विजिटर जो पेशेंट से मिलने आया है, इसे सर्दी जुकाम है, तो इस पर्सन से हमारे पेशेंट में इन्फेक्शन ना फैले, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो जाए, इससे बचने के लिए हम इस विजिटर को मास्क और गाउन देंगे ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ना हो पाए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल द फैक्ट्स अबाउट अ जॉब इज टर्म्ड एज। किसी भी जॉब के रिगार्डिंग सभी फैक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है? जॉब के रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी का साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाता है? यस, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज राइट हियर। इट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल द फैक्ट्स अबाउट अ जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड नेम। आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि किसी मेडिसिन का ट्रेड नेम है। वोवेरॉन, डाइक्लोफिनेक, रेनिटिडीन, ओंडेंसेट्रॉन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिएगा, किसी भी मेडिसिन का ट्रेड नेम कह दीजिए या फिर ब्रांड नेम कह दीजिए, ये दोनों एक ही चीज हैं। यहां पर ऑप्शन बी के अंदर डाइक्लोफिनेक
ड्रग लिखी गई है। डाइक्लोफिनेक बेसिकली एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है जिसे आप पेन किलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये डाइक्लोफिनेक मेडिसिन, ये डाइक्लोफिनेक साल्ट अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बनाती हैं। उनमें से एक कंपनी के द्वारा इसे वोवेरॉन नाम से मार्केट में बेचा जाता है, और वोवेरॉन ये नाम ट्रेड नेम या ब्रांड नेम है जो कि डाइक्लोफिनेक साल्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा रेनिटिडीन, ओंडेंसेट्रॉन, ये सभी साल्ट के एक्चुअल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल विजन इज असेस्ड बाय। किसी क्लाइंट में यदि आपको पेरिफेरल विजन असेस करना हो तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप? ऑप्शन ए सेनाइल चार्ट, ऑप्शन बी इशिहारा चार्ट, ऑप्शन सी स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी कंफर्ट्रेशन टेस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर किसी क्लाइंट के अंदर हम पेरिफेरल विजन का असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्फ्रंटेशन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम कॉन्फ्रंटेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो इसमें इस चीज को नोटिस किया जाता है कि पर्सन का जो पेरिफेरल विजन है यानी कि सेंट्रल विजन के अलावा वो कितना आसपास की चीजों को कितना क्लियरली देख पा रहा है। दिस इज द पेरिफेरल विजन टेस्ट। इसमें पेशेंट के विजन को एग्जामिनर अपने विजन से कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। किसी भी क्लाइंट के अंदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का असेसमेंट करने हेतु किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए अब्दार स्कोर, ऑप्शन बी ब्रैडन स्केल, ऑप्शन सी ग्लासगो कोमा स्केल, ऑप्शन डी सेनाइल चार्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मान लीजिए किसी क्लाइंट को सर पर चोट लग गई, ब्रेन इंजरी हो गया। ब्रेन इंजरी के बाद पेशेंट कितना होश में है इस चीज का असेसमेंट करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लासगो कोमा स्केल एक बहुत ही कॉमनली और ट्रस्टेड सोर्स है, मेथड है जिसके द्वारा हम पर्सन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस कर सकते हैं। लेवल ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर तीन चीजों का असेसमेंट किया जाता है, जिनमें सबसे पहले है आई ओपनिंग, फिर आता है वर्बल रिस्पॉन्स और तीसरा आता है मोटार रिस्पॉन्स। अबगार स्कोर सिस्टम जो है न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर उनकी हेल्थ कंडीशन का असेसमेंट करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज की हेल्थ असेसमेंट को एट द टाइम असेस करने के लिए वर्जीनिया अबगार द्वारा अबगार स्कोरिंग सिस्टम दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन बी में बताए गए ब्रैडन स्केल की। ब्रैडन स्केल वह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी क्लाइंट के अंदर प्रेशर अल्सर कितने परसेंट डेवलप होने के चांस हैं इस चीज का असेसमेंट किया जाता है। प्रेशर अल्सर को ही आप बेड सोर के नाम से जानते हैं या इसे आप डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो सेनाइल चार्ट की, सेनाइल चार्ट बेसिकली किसी भी क्लाइंट के अंदर विजुअल एक्यूटी के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू चेक विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी को असेस करने के लिए हम सेनाइल चार्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर सेवरल पेशेंट्स हु रिसीव्ड जनरल एनेस्थीसिया। विच प्रॉब्लम वुड प्लेस अ पेशेंट एट अ ग्रेटेस्ट रिस्क?
आप उन सभी पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं जिन्हें जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है। इन पेशेंट में कौन सी फाइंडिंग आप ग्रेटेस्ट रिस्क मानते हैं? ऑप्शन ए गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस, ऑप्शन सी हाइपोथायरॉइडिज्म, ऑप्शन डी एम्फाइसीमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आपने किसी क्लाइंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो इस एनेस्थीसिया के इफेक्ट के कारण पर्सन कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है। कंप्लीट कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है। और अगर इस अनकॉन्शियस पेशेंट में होश में आने के बाद रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस यदि देखने को मिले तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मिलती है। अगर जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट के बॉडी रिफ्लेक्सेस कम हो जाएं या फिर बॉडी के किसी पार्ट के अंदर सेंसेशन लॉस हो जाए तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सेंसेशन लॉस और रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस कैन बी अ ग्रेटेस्ट रिस्क आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर? इन सभी ऑप्शंस में से ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है ये आपको बताना है। हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया, ल्यूकोपीनिया या फिर एनीमिया। सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया की। एनीमिया वह कंडीशन है जिसके अंदर RBC रेड ब्लड कार्पसल्स की कमी हो जाती है जिसके कारण पर्सन में हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम होने के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, पर्सन में एक्टिविटी इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, ये एनीमिया है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी में बताए गए ऑप्शन की, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब है डिक्रीज WBC काउंट। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जिसे आप ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, WBC को आप ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और अगर इसकी कमी हो जाए तो ये कंडीशन ल्यूकोपीनिया कहलाती है। अगर किसी भी कंडीशन के पीछे, किसी भी वर्ड के पीछे पीनिया सुफिक्स लग जाए तो इसका मतलब होता है डिक्रीज, कमी, लैक होना। तो ल्यूकोपीनिया मीन्स WBC का कम होना। अब बात करते हैं ल्यूकीमिया। ऑप्शन बी में बताया गया है ल्यूकीमिया वर्ड। ल्यूकीमिया वर्ड का सिंपल मीनिंग आप समझ लीजिए, इट इज अ ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन वन, जो ऑप्शन ए जो कि रिमेनिंग है और यही सही आंसर भी है। अगर किसी क्लाइंट में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाए तो ये हीमोफीलिया है और इसे ही हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज टू हैव हीमोडायलिसिस, व्हाट मस्ट द नर्स डू बिफोर दिस ट्रीटमेंट? किसी रीनल पेशेंट के अंदर हीमोडायलिसिस प्रोसेस होने वाला है, आप एज अ नर्स इस हीमोडायलिसिस प्रोसेस से पहले क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन वन कहता है ऑब्टेन अ यूरिन स्पेसिमेन टू इवेल्युएट किडनी फंक्शन। इस पेशेंट में डायलिसिस होने से पहले हम यूरिन का सैंपल लेंगे जिससे कि हम किडनी के फंक्शन का पता कर सकें। ऑप्शन टू कहता है वेट द क्लाइंट टू इस्टेब्लिश द बेस लाइन फॉर लेटर कंपैरिजन। आप इस पेशेंट में वेट का मेजरमेंट करेंगे ताकि इस बेस लाइन डाटा को डायलिसिस के बाद कंपेयर किया जा सके। ऑप्शन थ्री कहता है एडमिनिस्टर मेडिकेशन दैट आर शेड्यूल्ड टू बी गिवेन विद इन नेक्स्ट आवर।
आप इस पेशेंट में डायलिसिस से पहले वो सभी मेडिसिन दे देंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे, जो कि 1 घंटे बाद एडमिनिस्टर करनी है। ऑप्शन 4 कहता है, एक्सप्लेन दैट द पेरिटोनियम सर्व्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रिमूव वेस्ट। आप इस पेशेंट को समझाएंगे कि इस हीमोडायलिसिस प्रोसेस में पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करेगी और इसके थ्रू हम बॉडी के वेस्ट को फिल्टर आउट करके बाहर निकालेंगे। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा काम एज अ नर्स आप हीमोडायलिसिस शुरू होने से पहले पेशेंट में परफॉर्म करना चाहेंगे? आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन 4 की। यहां पर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर क्लाइंट के अंदर आप पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तो वहां पर पेरिटोनियम लेयर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। हीमोडायलिसिस के अंदर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए हम इस ऑप्शन को बिल्कुल गलत मानते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की। एडमिनिस्टर मेडिकेशन दैट आर शेड्यूल्ड टू बी गिवन विद इन नेक्स्ट आवर। जब भी हमें पेशेंट में डायलिसिस करवाना होता है तो जो मेडिसिन पेशेंट को दी जाने वाली होती हैं उन्हें हम होल्ड कर देते हैं, क्योंकि डायलिसिस के कारण जो मेडिसिन है वो फिल्टर आउट हो जाएंगी और इसका इफेक्ट पेशेंट में नहीं आ पाएगा, तो मेडिसिन्स को हम एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, विदहोल्ड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन 1 की। ऑब्टेन अ यूरिन स्पेसिमेन टू इवेल्युएट किडनी फंक्शन। मान लीजिए आपका जो पेशेंट है उसके अंदर एंड स्टेज रीनल डिजीज है, यानी कि पर्सन के नेफ्रॉन्स 90% से ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, हो चुके हैं, और इस क्लाइंट के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आप पेशेंट में यूरिन सैंपल कैसे लेंगे? तो याद रखिएगा, डायलिसिस से पहले पेशेंट का यूरिन सैंपल लिया जाना निश्चित नहीं है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट जो है एंड स्टेज रीनल डिजीज का हो, उसमें बिल्कुल भी यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो। सो इस वजह से ऑप्शन 1 को भी हम इनकरेक्ट मानते हैं। अब फाइनली हमारे पास बचा है ऑप्शन 2, जो कि इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर हमें हीमोडायलिसिस करना होता है तो हीमोडायलिसिस को करने से पहले हम पेशेंट का कितना बॉडी वेट है इसे हम नोट करते हैं। पेशेंट का वेट कितना है डायलिसिस से पहले, इस चीज को नोट किया जाता है ताकि डायलिसिस के बाद इस पेशेंट को कितना फ्लूइड लॉस हुआ है इस चीज का असेसमेंट किया जा सके। सो हियर ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर हैविंग एन आईवी लाइन इन प्लेस फॉर 72 आवर्स, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ टेंडरनेस, बर्निंग एंड स्वेलिंग। असेसमेंट ऑफ आईवी साइट रिवील्स दैट वॉर्म एंड इरिथमेटस दिस यूजुअली इंडिकेट्स। आपने किसी क्लाइंट में आईवी लाइन लगाया, कैन्यूला लगाया या ड्रिप लगाई, और इस पेशेंट में कुछ समय बाद आईवी लाइन जहां लगी है, कैन्यूला या नीडल जहां डाली गई है, उस जगह पर जलन होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, और आईवी साइट को जब आप जाकर चेक करते हैं तो उसे टच करने पर वो एरिया अदर बॉडी एरिया की तुलना में वार्म फील होता है और उस जगह पर हल्की रेडनेस भी है, एरिथेमेटस स्किन भी है, तो ये सभी हमें किस कंडीशन का होना बताती हैं। क्या इस पेशेंट में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, फ्लेबाइटिस हो गया है या फिर ब्लीडिंग हो गया है? देखिएगा यहां पर 4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। सबसे पहले बताई गई है क्लाइंट को
टेंडरनेस है, यानी कि आईवी साइट पर टच करने से पेशेंट को दर्द हो रहा है। दूसरी बात, उस आईवी साइट पर टच करने पर हमें वार्म फील हो रहा है, यानी वो एरिया हल्का हमें गर्म महसूस हो रहा है। इसके बाद उस एरिया को देखने पर वहाँ पर स्वेलिंग दिखाई दे रही है, और फाइनली उस जगह पर क्लाइंट को बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, यानी पेशेंट को वहाँ पर जलन हो रही है। अगर किसी क्लाइंट में ये सभी साइंस मौजूद हो, तो याद रखिएगा, इन सभी साइंस का होना क्लाइंट में फ्लेबाइटिस कंडीशन को के होने को बताता है। अगर क्लाइंट के अंदर ये सभी सिम्टम्स मौजूद हों, टेंडरनेस, वार्म, स्वेलिंग, बर्निंग सेंसेशन, तो इसका मतलब है क्लाइंट के अंदर फ्लेबाइटिस कंडीशन हो चुकी है। फ्लेबाइटिस क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पेशेंट की ब्लड वेसल है और आपने इसमें आईवी लाइन कनेक्ट की, ये आपने निडल इंसर्ट की। अब इस निडल के कारण जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के आसपास के एरिया में टिश्यू ट्रॉमा होता है, और टिश्यू ट्रॉमा के कारण जो ये ब्लड वेसल है इस जगह से फूल जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, वॉर्म तो होती है, तो ये कंडीशन फ्लेबाइटिस कहलाती है। अब इसी से मिलती जुलती टर्म जो अक्सर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करती है, वो है इनफिल्ट्रेशन। देखिए, इनफिल्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या है। मान लीजिए ये ब्लड वेसल थी, आपने इस ब्लड वेसल के अंदर निडल इंसर्ट किया, लेकिन पेशेंट ने अपना हाथ हिला डुला दिया, जिसके कारण ये निडल ब्लड वेसल से बाहर की तरफ निकल गई। अब इस निडल के थ्रू जो फ्लूइड जाना था, वो ब्लड वेसल में ना जाकर टिश्यू स्पेस के अंदर, इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर इकट्ठा होने लगा, और पेशेंट के इस एरिया में स्वेलिंग आ गई। अब कौन सा फैक्टर इनफिल्ट्रेशन और प्लेबाइटिस को डिफ्रेंशिएट करेगा? अगर आप इस इनफिल्ट्रेशन वाले पेशेंट की स्किन को टच करेंगे, तो यहाँ पर आपको कूलनेस फील होगा, कूल स्किन दिखाई देगी। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके द्वारा आप दोनों कंडीशंस को अलग कर सकते हैं। प्लेबाइटिस के अंदर तो जो स्किन होगी वो वार्म फील होगी, जबकि इनफिल्ट्रेशन के अंदर आपको कूल स्किन दिखाई देगी, जो कि निडिल के ब्लड वेसल को पंचर करते हुए किसी टिश्यू स्पेस के अंदर जाने के कारण होती है। जबकि फ्लेबाइटिस कंडीशन में निडिल तो ब्लड वेसल के अंदर ही है, लेकिन पेशेंट की मूवमेंट के कारण जो वेन थी उसमें ट्रॉमा हुआ, स्वेलिंग हुई, इन्फ्लामेशन हुआ, ये कंडीशन फ्लेबाइटिस है। यहाँ पर ऑप्शन थ्री को आंसर मानेंगे। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड कॉगुलेशन फैक्टर्स आर। आपको उस न्यूट्रिएंट का नाम बताना है जिसके द्वारा एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, कॉगुलेशन फैक्टर आदि का निर्माण होता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं, फैट सब्सटेंस जो हैं, उनके द्वारा एंटीबॉडीज, एंजाइम, हार्मोन और कॉगुलेशन फैक्टर्स आदि बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसफरिंग पैथोजेंस टू अ पेशेंट व्हेन रिमूविंग कंटेमिनेटेड ग्लव्स इज टू। जब आप पेशेंट की केयर के दौरान इस्तेमाल किए गए ग्लव्स को उतारते हैं, तो उस समय इन ग्लव्स से क्लाइंट में कंटैमिनेशन ना हो, इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए कौन सी टेक्निक मोस्ट यूजफुल है, इसे आपको बताना है। ऑप्शन वन, वॉश द ग्लव्स बिफोर रिमूविंग देम। आप ग्लव्स को वॉश करेंगे उतारने से पहले। ऑप्शन टू, जेंटली पुल ऑन फिंगर्स।
ऑफ द ग्लव्स व्हेन रिमूविंग देम, आप जब ग्लव्स उतारें तो उस समय फिंगर वाले एरिया से उन्हें धीरे धीरे सावधानी से उतारना चाहिए। ऑप्शन थ्री, जेंटली पुल जस्ट बिलो द कफ एंड इनवर्ट द ग्लव व्हेन रिमूविंग देम, आप ग्लव्स को बहुत ही सावधानी से आराम से पुल करेंगे और जैसे ही कफ एरिया से नीचे ये आए तो उसे इन्वर्ट कर देंगे। ऑप्शन फोर, रिमूव ग्लव्स एंड देन टर्न देम इनसाइड आउट, आप रिमूव को ग्लव्स को रिमूव करने के बाद उसे इनसाइड आउट टर्न कर देंगे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट यूजफुल माना जाएगा, जिसके इस्तेमाल से हम किसी भी पर्सन में या किसी भी पेशेंट में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को घटा सकते हैं? देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। आप अगर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं तो जब भी आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर दें तो केयर प्रोवाइड करने के बाद जब आप ग्लव्स को रिमूव करें उस समय ग्लव्स जैसे ही कफ एरिया से थोड़ा नीचे की तरफ आए उसे उल्टा करके उतारें, यानी कि ग्लव्स का जो अंदर वाला हिस्सा है वो बाहर हो जाए और बाहर वाला हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अगर आप इस प्रकार से ग्लव्स को उतारते हैं तो ऐसा करके आप पैथोजन के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। इस प्रकार से कंटेमिनेटेड ग्लव्स को उतारने के बाद आप इसे प्लास्टिक बैग में रखें और इस प्लास्टिक बैग को सॉइल्ड ड्रेसिंग आदि के साथ रखकर फिर डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। ऑप्शन थ्री इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेशेंट रिकॉर्ड अमंग द फॉलोइंग, आपको इन चारों ऑप्शंस में से पेशेंट रिकॉर्ड कौन सा है इसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए एडमिशन रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड या ऑप्शन डी। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। एडमिशन, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों ही पेशेंट रिकॉर्ड के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग अमंग द फॉलोइंग, आपको इन चारों में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि रिकॉर्ड राइटिंग का प्रिंसिपल माना जाता है। ऑप्शन ए, रिकॉर्ड एक्यूरेट होने चाहिए, एरर फ्री होने चाहिए या स्टैंडर्ड एब्रिविएशन का इस्तेमाल इनमें किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी आप रिकॉर्ड राइट करते हैं उस समय आपको हमेशा रिकॉर्ड्स को एक्यूरेटली लिखना चाहिए, जो एक्चुअल रीडिंग है उसे ही लिखना चाहिए। इसके अंदर किसी भी प्रकार की एरर नहीं होना चाहिए, एरर फ्री होने चाहिए ये। इसके अंदर आप अपने मन से बनाकर कोई भी एब्रिविएशन या शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिकॉर्ड को लिखते समय हमेशा स्टैंडर्ड एब्रिविएशन या शॉर्ट टर्म्स का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स असेसिंग द ओरल कैविटी ऑफ 6 months ओल्ड इन्फेंट, द पेरेंट आस्क विच टीथ विल इरप्ट फर्स्ट, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड। आप एज अ नर्स किसी बच्चे की ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इस बच्चे की उम्र जो है 6 महीने की है। 6 months के इस बच्चे के फादर या पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि इस बच्चे में सबसे पहले कौन सा दांत निकलेगा, कौन सा टीथ इरप्ट होगा, तो इसका आंसर एज अ नर्स आपके द्वारा क्या बताया जाएगा? इंसीजर, कैनाइन, अपर मोलर, लोअर मोलर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बच्चों में 6 महीने की उम्र होने के बाद फर्स्ट टीथ इरप्ट होता है और जनरली वो लोअर इनसीजर होता है।
लोअर सेंट्रल इंसीजर इज द फर्स्ट एट फर्स्ट टीथ दैट इरेप्ट, ये जो पहले दांत निकलते हैं इन्हें आप डेसीडुअस टीथ या मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। 6 महीने से इनका निकलना शुरू होता है और 6 इयर्स तक ये वापस गिर जाते हैं। 6 महीने 6 इयर्स की एज के बाद में परमानेंट टीथ इरप्ट होना शुरू होते हैं। इनकी संख्या 32 होती है जबकि मिल्क टीथ संख्या में 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन वुड बी बेस्ट फॉर द क्लाइंट इन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर हेमरे हेमरोइडेक्टोमी। किसी क्लाइंट के अंदर हेमरोइडेक्टोमी प्रोसीजर हुआ है यानी पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, अब इस पेशेंट में तुरंत ऑपरेशन के बाद कौन सी पोजीशन देना बेस्ट माना जाएगा? हाई फॉवलर्स, सुपाइन, साइडलाइन या ट्रेंडलबर्ग? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर हम क्लाइंट को साइडलाइन पोजीशन देंगे। हेमरॉइडेक्टोमी सर्जरी के अंदर हेमरॉइड्स को रिमूव कर दिया जाता है और इसके बाद क्लाइंट को हम जनरली साइडलाइन पोजीशन देते हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद यदि पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग ना करवाई जाए तो यहाँ पर पेशेंट में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रहता है और यहाँ पर साइडलाइन सबसे सही पोजीशन मानी जाएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैज एन एक्यूरेट सॉरी अ क्लाइंट हैज एन अल्सरेटिव कोलाइटिस विथ क्रैम्पिंग एंड डायरिया लॉन्गर देन 1 वीक, द नर्स शुड असेस विच फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। आपके पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन है और इस पेशेंट में क्रैम्पिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है और ये सिम्टम एक एक सप्ताह से ज़्यादा समय से आ रहे हैं। इस सिचुएशन में इन सिचुएशन में आए इन सिम्टम्स के कारण कौन सा कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकता है ये आपको बताना है। क्या पेशेंट में हार्ट फेलियर हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हाइपोकैलीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है? सबसे पहले बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन है क्या। अगर किसी क्लाइंट की कॉलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अल्सरेशन हो जाए, अल्सर्स फॉर्म हो जाए तो ये कंडीशन अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इस कंडीशन के होने के बाद पेशेंट में फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और लगातार पेशेंट के अंदर डायरिया डायरियल एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। लगातार डायरिया होने के कारण पेशेंट की बॉडी से सोडियम और पोटेशियम का लॉस देखने को मिलता है और इसी वजह से पेशेंट के अंदर ऑप्शन सी में बताई गई कंडीशन हाइपोकैलीमिया डेवलप हो सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन के अंदर पेशेंट को लगातार डायरिया होता है और डायरिया में सोडियम पोटेशियम जैसे आयन लॉस होते हैं, इस वजह से पेशेंट में हमें हाइपोकैलीमिया वाली कंडीशन के लिए असेस करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 1 मंथ ओल्ड इन्फेंट इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट विथ टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ हिर्सप्रंग डिजीज। व्हाट प्रोसीजर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू बी यूज्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज? आपको सिंपली यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी क्लाइंट को हिर्सप्रंग डिजीज है, हिर्सप्रंग डिजीज को आप कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलन के नाम से भी जानते हैं, इस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट कंफर्मेशन टेस्ट माना जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं कॉलोनोस्कोपी, रेक्टल बायोप्सी, मल्टीपल सेलाइन एनिमास या फिर फाइब्रो ऑप्टिक नेजो एंट्रिक ट्यूब।
आइए बात कर लेते हैं इस डिजीज के अंदर, हेस्प्रंग डिजीज के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ पार्ट्स के अंदर स्पेशल नर्व फाइबर्स की कमी होती है। इसके कारण जो स्टूल है आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता। इसी कंडीशन को हम हिर्सफ्रंग डिजीज या कंजेनाइटल एग गैंग्लियोनिक मेगाकोलन कहते हैं। पेशेंट बच्चे की इंटेस्टाइन में गैंग्लियोनिक सेल्स का अभाव होता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन में पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट्स नहीं हो पाती, और पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट ना होने के कारण फूड आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता, और यही कंडीशन कंजेनाइटल एग गैंग्लियोनिक मेगाकोलन या हिर्सफ्रंग डिजीज के नाम से जानी जाती है। इस टेस्ट को परफॉर्म इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेक्टल बायोप्सी का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टल बायोप्सी प्रोसीजर में रेक्टल एरिया के पार्ट से टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है और फिर इसे ऑब्जर्व किया जाता है, असेस किया जाता है कि इसमें नर्व फाइबर्स मौजूद हैं या नहीं, गैंग्लियोनिक सेल्स मौजूद हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज एसोसिएटेड विद द कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग द मेडिकल एमरजेंसी। हॉस्पिटल में यदि किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो इस सिचुएशन में कौन सा कोड, कौन सा कलर कोड एक्टिवेट किया जाएगा? ऑप्शन ए कोड ब्लू, ऑप्शन बी कोड ब्लैक, ऑप्शन सी कोड ब्राउन, सॉरी कोड ग्रीन, ऑप्शन फोर कोड रेड। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन वन। याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन वन बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। अगर हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कार्डियक इमरजेंसी होती है, कार्डियक अरेस्ट जैसी सिचुएशन होती है, तो वहां पर कोड ब्लू एक्टिवेट किया जाएगा। आइए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट कुछ कोड्स को डिस्कस कर लें जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था वो है कोड ब्लू। कोड ब्लू जो है कार्डियक अरेस्ट होने पर एक्टिवेट किया जाता है। अगर किसी क्लाइंट में हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो इस सिचुएशन में कोड ब्लू एक्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड रेड। आप आंसर बॉक्स में अपने सजेशंस आंसर्स टाइप कर सकते हैं कि हॉस्पिटल में कोड रेड कब एक्टिवेट किया जाता है। यस एग्जैक्टली, आपने सही आंसर दिया है। हॉस्पिटल में जब कोई एक्सटर्नल डिजास्टर हो, हॉस्पिटल में जब किसी प्रकार का एक्सटर्नल डिजास्टर यदि हो, जैसे कि मान लीजिए फायर, हॉस्पिटल में यदि आग लग गई है, तो इस सिचुएशन में रेड कलर कोड को एक्टिवेट किया जाता है। रेड हमेशा खतरे को बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड ब्राउन। हॉस्पिटल में आपको बताना है कि कोड ब्राउन कब एक्टिवेट किया जाता है। इसका सही जवाब है, हॉस्पिटल में यदि किसी प्रकार का इंटरनल डिजास्टर हो, हॉस्पिटल में किसी प्रकार का इंटरनल डिजास्टर यदि हो, तो वहां पर कोड ब्राउन एक्टिवेट किया जा सकता है। इंटरनल डिजास्टर की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई हजार्डस मटेरियल है, वो लीक कर गया है, फैल गया है, तो इस सिचुएशन में हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा, हजार्डस मटेरियल स्पिल और लीक। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंट
कोड पिंक, कोड पिंक किस समय एक्टिवेट किया जाएगा? रिवाइज कर लीजिए, ये सभी कोड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सही जवाब है बेबी डिजास्टर के केस में, अगर हॉस्पिटल से कोई बच्चा मिसिंग हो जाए तो इस सिचुएशन के अंदर हम कोड पिंक एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोड की बात की जाए तो नेक्स्ट कोड है आपका कोड ग्रे, नेक्स्ट कोड है कोड ग्रे। कोड ग्रे कब एक्टिवेट किया जाएगा? याद रखिएगा, कोड ग्रे सिक्योरिटी थ्रेट या वर्क प्लेस में वायलेशन के केस में एक्टिवेट किया जाएगा। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है तो वहां पर कोड ग्रे एक्टिवेट किया जाएगा, या फिर वर्क प्लेस पे कोई वायलेंस हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है हॉस्पिटल में किसी पर्सन का, स्टाफ का, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए तो कोड ऑरेंज, कोड ऑरेंज जैसे ही हॉस्पिटल में कोड ऑरेंज एक्टिवेट होता है, मेडिकल इमरजेंसी टीम को रेडी रहना पड़ता है। मेडिकल इमरजेंसी टीम को रेडी होना पड़ता है, यानी कि बाहर कोई कैजुअलिटी हुई है, बड़ी आपदा दुर्घटना हो गई है, हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल रिस्पॉन्स टीम्स हैं वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, इसके लिए कोड ऑरेंज को एक्टिवेट किया जाता है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कोड ब्लैक किसके लिए होता है, तो आप क्या बताएंगे? सही जवाब होगा इसमें, अगर हॉस्पिटल के अंदर बॉम्ब की कोई सूचना आ जाए, लगे कि बॉम्ब का कोई थ्रेट है, हॉस्पिटल में किसी ने बॉम्ब प्लांट कर दिया है, या फिर कोई सस्पिशियस पैकेज मिले, हॉस्पिटल में कोई सस्पिशियस पैकेज मिले, तो इस सिचुएशन में कोड ब्लैक को एक्टिवेट किया जा सकता है। जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर सुना होगा कि किसी लावारिस वस्तु को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है, तो उसी प्रकार से हॉस्पिटल में कोई ऐसा सामान हो जिसके अंदर किसी का भी कोई सामान हो सकता है, जिसमें पता नहीं क्या है, सस्पिशियस पैकेज है, तो उसमें उस सिचुएशन में हम कोड ब्लैक को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं। कोड ब्लैक के बाद में आता है कोड पर्पल। कोड पर्पल, कोड पर्पल का मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी ने बंधक बना लिया है, हॉस्टेज टेकिंग। अगर किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में किसी के द्वारा बंधक बना लिया जाए तो वहां पर कोड पर्पल एक्टिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड वाइट, कोड वाइट किस सिचुएशन में होगा? ये जो है एक्चुअल और पोटेंशियल वॉयलेंट बिहेवियर, अगर हॉस्पिटल में किसी का वॉयलेंट बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाए तो उस सिचुएशन में कोड वाइट को एक्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड येलो, कोड येलो, कोड येलो मिसिंग पेशेंट के केस के अंदर
एक्टिवेट किया जाता है। आप पेशेंट को केयर पेशेंट की केयर करने के लिए गए और आप देखते हैं कि पेशेंट बेड पर ही नहीं है, आसपास देखा पेशेंट नहीं मिलता, तो उस सिचुएशन में कोड येलो एक्टिवेट किया जाएगा। और लास्ट आपके पास आता है कोड ग्रीन। कोड ग्रीन जो है इवैल्यूएशन या इवैक्यूएशन, इसे आप कह सकते हैं इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन यानी कि हॉस्पिटल में कोई खतरा है, हॉस्पिटल से आपको जल्दी एग्जिट लेना है, बाहर निकल जाना है, हॉस्पिटल के अंदर नहीं रहना है, इस सिचुएशन को आप इवैक्यूएशन इवैक्यूएशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कोड ग्रीन एक्टिवेट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी इमरजेंसी कोड्स हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।